हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करने वाले अपन इन कांच की बोतल्स के बारे में। ये मेरे पास काफ़ी सारी हैं, तो मैंने सोचा दिवाली आ रही है, एक झालर बना दी जाए इनकी, तो वही आज बनाने वाले हैं अपन। अपन घर पे यूज़ करेंगे उसको, तो मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो अपने को घर पे ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। इस सील को उतारने वाले हैं ऐसे बार बार की, ये कुछ इस तरीके से उतर जाएंगी और खुल जाएगी ऐसे। तो सभी को ऐसे ही करने वाले हैं तो अपन। साफ कर लिया मैंने इनको अंदर से बाहर से और बिल्कुल शानदार लग रहे हैं। ये ढक्कन है और ये वेस्ट मेरे पास कांच है जो कुटा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल मैंने टुकड़े टुकड़े बना लिए हैं ताकि इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर डालने की वजह है वो अपने आप पता चल जाए आपको आगे चल के। चलिए डालते हैं इसको अभी बोतल के अंदर। ये देखिए, नीला, वाइट और ब्लैक तीन कलर के कांच हैं। एक्चुअली कांच के कुछ टुकड़े थे जो मेरे पास बचे हुए थे जिनका कोई काम नहीं था, तो उनको मैंने रीयूज किया है ताकि इनका कुछ फ़ायदा अपन उठा सकें, बचे हुए टुकड़ों का भी। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यहाँ तक ही डालना है। इसके ऊपर LED आएगी। फ्रेंड्स, मैंने कांच डाल लिया इसके अंदर फोड़ के, और एक बोतल के अंदर मैंने डाला है ये डाला है, ये थर्मोकोल शीट है। एक्चुअली इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब इसमें शाइनिंग है इसमें, और इसमें बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने कांच डाला है। ये है LED अपने पास RGB 5 mm। तो ऐसे ढक्कन उतारेंगे और इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा दूर दूर करके इनको आराम से दगा देंगे और बाहर निकलाएंगे ये कुछ इस तरीके से, और इसको वापस बंद कर देंगे ऐसे। तो सभी बटन्स में हमें ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ अपन लेने वाले हैं ये वायर, ये लगभग 8.5 सेंटीमीटर का है। इसको मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ और इस तरीके से इसके बाहर से, और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे और ऊपर एक लूप बना देंगे लूप। सभी बोटल्स में ये एरे डालने हैं और ये ऐसे वायर लगाना है। ये नेगेटिव गया और पॉजिटिव थोड़ा बड़ा काटेंगे ताकि पता लग जाए हमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इस साइड इस वाला। तरीके से मोड़ दिया मैंने इनको पॉजिटिव नेगेटिव को। करते हैं कनेक्शन की बात। ये मेरे पास इंची टेप है, 1 फुट में मैं 3 लगाने वाला हूँ इनको। ये कुछ इस तरीके से 6 इंची पे एक, इतनी लंबाई हमें वायर की लेनी है। 16 बोटल्स है मेरे पास ये, तो उसी हिसाब से मैं इनको जोड़ने वाला हूँ। पूरा 6 इंची है, तो ऐसे अपन टुकड़े काट लेंगे सारे। ये देखिए, ये वाला वायर है तो चल गए। कुछ इस तरीके से मैंने इनको जोड़ लिया है। अपन कनेक्शन करने वाले हैं पैरेलल में, तो प्लस प्लस में रहेगा, प्लस 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 ऐसे सब चलता रहेगा, और माइनस माइनस में चलता रहेगा। पिंक वायर जोड़ेंगे माइनस में, तो ऐसे जोड़ दूंगा मैं सभी को। कनेक्शन कर लिया मैंने इनके, चेक करते हैं इनको अच्छे से वर्क कर रही है नहीं। RGB लाइट बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रही है। अभी करते हैं इनको इनके अंदर सेट। फ्रेंड्स, मैंने इनके ऊपर कलर किया है बिल्कुल ऊपर ऊपर, LED जहाँ तक है वहाँ तक किया है। इसकी एक वजह है कलर करने की, क्योंकि अगर लाइट है जो इसके अंदर जाएगी ना तो बाहर नहीं निकलेगी इधर से, और जो इसकी रोशनी है वो इधर से इस साइड और इस साइड और इस साइड अलग से दिखाई देगी जलती हुई, इसलिए मैंने इसके ऊपर कलर किया है। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि हमने अंदर भी कर सकते थे कलर, अंदर कर सकते थे कलर, लेकिन हमने नहीं किया। उसकी वजह यह है, अंदर कलर करने के बाद जो रोशनी है वो अंदर ही फैल जाएगी इन कांच के टुकड़ों के अंदर, और वो पास नहीं होगी, इसलिए मैंने अंदर नहीं किया। और बाहर करते हैं ना तो जो रोशनी है LED की वो इन किनारों के होते हुए नीचे तक आती है और ये बाहर से ग्लो करती हुई दिखती है, इस वजह से मैंने बाहर किया है अंदर नहीं किया। ये जो है LED बिल्कुल मजबूत हो गई हैं, अब वाटर प्रूफ बन गई हैं। अब डालते हैं इनको वन बाय वन करके ऐसे, कुछ इस तरीके डालेंगे। ये वायर मैंने इसलिए लगाया है, इसकी 2 वजह हैं। पहला तो रस्सी से बांध लेंगे इनको सभी को एक साथ ताकि इस पे जोर ना आए, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल ऐसी लटकी रहनी चाहिए ऐसी, ना कि ऐसे 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 ऐसे। ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा सेंटर में बिल्कुल, फिर ये बिल्कुल सीधी लटकेंगी, तो इसलिए मैंने ये वायर लगाए हैं। रस्सी मैंने ये ली है, मजबूत वाली रस्सी है प्लास्टिक वाली, तो फटाफट सेट करके फिर दिखाता हूँ आपको। मैंने अच्छे से बांध लिया है इनको, हर एक को अच्छे बांध लिया है, और मैंने यहाँ पर एक 16 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है ताकि ये अच्छे से जलती रहे, इनकी लाइफ थोड़ी सुरक्षित हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगा दी है अच्छे से और ये वायर लगाया है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एक बार जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है, ये 16 ओम की ही क्यों लगाई, 3 वोल्ट की होती है जो RGB LED होती है, और 20 mA करंट लेती है, और एम्पियर में लें तो 0.02 एम्पियर, तो अपनी 5 वोल्टेज DC आएगी यहाँ से, जो कि अडेप्टर अपना वोल्ट चार्जर,
यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये पैरेलल में एलईडीज लगी हुई हैं। रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर है, तो ये अपने को चेक करने की कितने ओम की लगेगी। तो अपने पास एलईडीज हैं 16 एलईडीज जो कि सभी पैरेलल में लगी हुई हैं, 20 मिली एम्पियर एक ले रही है। पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अपन पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम, लेकिन करंट ऐड कर लेंगे अपन। 3 वोल्ट की एलईडी है एक, ये 3 वोल्ट रहेगा सेम, लेकिन 20 मिली एम्पियर है तो अपन करंट को एम्पियर में लेते हैं 0.02 गुणा में 16.32 एम्पियर करंट, 16 एलईडी लेंगे अपनी। ये कुछ इस तरीके से मैंने लगा दी है प्लस का, एलईडी के प्लस में, एलईडी के प्लस में, एलईडी के प्लस में एक वायर जाएगा दूर तक और दूसरा जाएगा नेगेटिव में ऐसे। तो देख लेते हैं ओम्स लॉ कैसे कवर करता है इसमें। V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन I, यहाँ से आएगा। तो सोर्स वोल्टेज अपने पास 5 वोल्ट, तो VS कितना हो गया 5 और VL लोड वोल्टेज कितनी है, जो एलईडी की वोल्टेज कितनी है 3, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, ये रहा 3 हो गया। 5-3 अपॉन करंट कितना है, टोटल करंट 0.32 ये हो गया, तो 2 अपॉन 0.32 ये आ गई अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने पास इतनी रेजिस्टेंस होती नहीं है, तो 4 ओम की लेंगे या 10 की लेंगे, तो अपने पास फिलहाल 16 की है, 10 की भी नहीं है, तो इसलिए मैंने 16 की लगाई यहाँ पर। और अभी वोल्टेज और देख लेते हैं इसकी, टू VI वोल्टेज कितनी है 2, जो आउटपुट यहाँ पर निकली है ये वाली, ये लेंगे अपन 2 गुणा में 0.32 = 0.64, तो 0.5 वाट की जो है रेजिस्टेंस लगेगी। ये होती है इसकी वैल्यूज, अपनी आई है 0.6, तो इसके आसपास आई है ये 0.5, तो 0.5 वाट की रेजिस्टेंस लगेगी। 0.25 आता है यहाँ पर, तो अपन लेते 1/4 1/4 वाटेज की रेजिस्टेंस, तो रिजल्ट अपना ये आया है 10 ओम की रेजिस्टेंस 0.5 वाट की लगेगी इसके अंदर 16 एलईडीज में। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं और मेथड यही रहेगा, हर बार कितनी वैलिडीज आएंगे उसी हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वाटेज और ओम में। तो अपने पास 60 ओम की रेजिस्टेंस थी इसलिए मैंने लगाई है, नहीं तो 10 या 4 की लगती। चलिए अभी चेक करते हैं इनको, मैं लटका देता हूँ इसको और फिर चेक करते हैं। मैंने टंगा लिया है, अभी सप्लाई दे रहा हूँ मैं उनको, देखते हैं कैसी लगती है। लाइट्स ऑफ कर देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे चल रही हैं, पूरी बोतल जलती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल मस्त लग रही है। और एक वाल ये है, इसमें मैंने डाला था थर्माकोल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल मामूली सा। कांच वाली थोड़ी ज़्यादा ब्राइट कर रही है, वो थर्माकोल वाली थोड़ी सी कम कर रही है, बाकी ये चल जाएगी ये भी। फ्रेंड्स ये काफी शानदार लग रहा है, हर एक बोतल बिल्कुल अच्छे से चमक रही है और अलग से दिख रही है कि बोतल है ये। और दिवाली पे मैं इसको घर पे लगाने वाला हूँ, तो इसी तरीके से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ जो मैं पर्सनल डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाता हूँ ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और कुछ आपका भी फ़ायदा हो जाए इससे। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके काम ज़रूर आई होगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय।